दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। फिर आपके लिए उपस्थित है एक अपडेट व अलर्ट खबर के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूरे भारत के मौसम की कि कैसा है अब पूरे भारत का मौसम, क्या संभावना है मानसून की, और कहाँ है तूफान, कहाँ है आंधी, और कहाँ क्या स्थिति चल रही है। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको ऐसी ही अपडेट व अलर्ट न्यूज़ मिलते रहे, साथ ही रोचक न्यूज़ व दैनिक राशिफल भी मिलता रहे। दोस्तों अपडेट खबर निकल कर आ रही है, मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है कि देश के मौसम का क्या हाल है। अपडेट खबर है, चौथे दिन भी दिल्ली की आबोहवा खराब, चंडीगढ़ में उड़ाने ठप, और साथ ही देश के अन्य इलाकों में आंधी तूफान व तेज बारिश की आशंका। दोस्तों पाकिस्तान से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली तक धूल भरी हवा का कहर जारी है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी इन हवाओं के कारण स्थिति खराब रही। तेज आंधी चलने पर ही प्रदूषण हटने का अनुमान है। इधर वातावरण में धूल के कणों के कारण दृश्यता घटने से दूसरे दिन भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हवा में धूल के कण PM10 यानी कि 10 मिलीमीटर से कम आकार के की मौजूदगी दिल्ली NCR में 754 तो दिल्ली में 801 रही। दिल्ली में PM2.5 स्तर का स्तर 184 रहा तो NCR में 175 रहा। गुरुवार को PM2.5 स्तर और दिल्ली NCR में 268 और दिल्ली में 277 था, यानी शुक्रवार को थोड़ा कम हुआ, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर बना रहा। यह 0 से 50 तक अच्छा और 51 से 100 तक संतोषजनक व 101 से 200 तक सामान्य और 201 से 300 तक खराब और 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर माना जाता है। पेड़ों पर पानी का छिड़काव। दोस्तों दिल्ली के कुछ हिस्सों में पेड़ों के पत्तों पर पानी का छिड़काव कर प्रदूषण कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि तेज आंधी चलने पर ही पेड़ों व अन्य जगह का धूल हटेगा। राजस्थान में धूल का गुब्बारा। दोस्तों राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग में पिछले 3 दिनों में छाया धूल का गुब्बारा शुक्रवार को भी छाया रहा। हालांकि इसमें कुछ कमी आई। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आदि जिलों के ज्यादातर हिस्सों में दिन भर धूल का गुब्बारा बना रहा। मंगलवार को अचानक शुरू हुई धूल भरी आंधी गुरुवार को कुछ तेज थी और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। शुक्रवार को इसमें कमी आई। धूल भरी आंधी चलने से जैसलमेर की सड़कें मिट्टी में दब गई है और इसके चलते रोडवेज बसें सेवा भी बाधित हुई। कमजोर रही दृश्यता, नहीं उड़े विमान। दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लगातार दूसरे दिन भी सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ठप रही। कमजोर दृश्यता के कारण उड़ाने का इजाजत नहीं दी गई। दोस्तों राजस्थान में लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है बारिश का, मानसून का। तो मौसम विभाग ने जो आज अपडेट जारी किया है उसमें 17 तारीख संभावित बताई गई है कि उस दिन बारिश वहां हो सकती है। धूल की चादर लिपटे रहे पंजाब व हरियाणा। दोस्तों पंजाब व हरियाणा तीसरे दिन भी धूल की चादर में लिपटे रहे। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से उठे धूल भरे तूफान की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसने पंजाब व हरियाणा के कई हिस्सों में हवा में धूल की मात्रा बढ़ा दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा से लाखों लोग बाढ़ में घिरे। दोस्तों समूचा उत्तर भारत करीब 2 माह तक प्रचंड गर्मी के बाद अब धूल भरी आंधी से परेशान है। वहीं पूर्वोत्तर के 3 राज्य असम, मणिपुर व त्रिपुरा के लाखों लोग बाढ़ से घिर गए हैं। असम में शुक्रवार को बाढ़ के हालात और विकट हो गए। राज्य के 7 जिलों के करीब 4,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित थे। अब तक 3 मौतें हो चुकी थी। वहीं मणिपुर के 2 जिलों में 110.5 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इम्फाल घाटा में जो हालत है वो बहुत बिगड़ गए हैं, वहाँ 6 मौतें हो चुकी हैं। उधर त्रिपुरा में बाढ़ग्रस्त खोवाई नदी का पानी कुछ और इलाकों में घुसने से हालात और विकट हो गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, फसलें व सड़कें तबाह हो गई हैं। राज्य में 50,000 लोग बाढ़ से घिर चुके हैं। और इसी प्रकार अब मौसम विभाग का कहना है कि और कुछ दिनों तक यह मौसम का तांडव जारी रहेगा। और साथ ही दोस्तों मौसम विभाग ने बारिश का अपडेट भी जारी किया है, जो वीडियो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि मौसम विभाग ने कौन कौन से संभावित तारीख बारिश की बताई है। तो दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट व अलर्ट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाएं जिसका आपको ऐसी अपडेट व अलर्ट न्यूज़ मिलते रहे और हर काम की खबर आप तक पहुंच रहे, साथ ही आपको रोचक खबर व दैनिक राशि पर मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।